फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0, x = -1, x = 2। आपको पॉलीनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करनी है, फिर -1 पुट कर देनी है, फिर 2 पुट कर देनी है। तो सबसे पहले हम लेट लेते हैं, लेट पी एक्स, इस पूरी वैल्यू को एक फंक्शन के इक्वल हम मान लेंगे, 5x - 4x² + 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएंगे, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ आपने 0 पुट कर देना है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ आपने 0 पुट कर देना है, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा p0 5 × 0 - 4 0² हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3। सोल्व करेंगे, 5 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, 0² 0 होगा, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगा, प्लस 3 आपके पास ऐसे का ऐसा बच जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। सेकेंड पार्ट में आपको कहता है कि x की वैल्यू अपनी -1 पुट कर देनी है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपने -1 पुट कर देना है। तो मेरे पास सेकेंड पार्ट हो जाएगा p-1 5 × -1 - 4 - 1² हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास माइनस का 5 आ जाएगा, ये माइनस है यहाँ पर, ये माइनस आएगा, यहाँ पर मेरे पास 4 है। -1² अगर हम बात करें, -1² -1 × -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 मेरे पास आ जाएगा आंसर, तो 4 × 1 हो जाएगा, प्लस 3 आपके पास ऐसे का ऐसा बच जाएगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ मेरे पास आएगा माइनस का 5, माइनस का 4 और प्लस आ जाएगा 3। तो आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन मेरे पास आता है माइनस का, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस का 3 आपके पास पहले से ही है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो आपके पास आएगा 6। तो आपके पास जो हायर वैल्यू है वह 9 है, 9 के आगे आपके पास साइन है माइनस का, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा माइनस का साइन, तो -6 आपके पास हो जाएगा आंसर। थर्ड पार्ट आपके पास है, जहाँ जहाँ आपको x दे रखा है वहाँ आपने 2 पुट कर देना है, यानी इनकी मेरे पास जाएगा p2 इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 4 × 2 - 4 × 2² हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास 10 आ जाएगा, माइनस का साइन माइनस ही रहेगा, ये 4 है, 2² आपके पास हो जाएगा 4, प्लस 3 आपके पास पहले से ही है, ये मेरे पास 10 है, ये मेरे पास माइनस है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस का 3। इन दोनों वैल्यू को हम जोड़ देते हैं तो 10 3 13 हो जाएगा और माइनस का 16 आ जाएगा, 16 - 13 आपके पास आ जाएगा 3, साइन मेरे पास आ जाएगा हायर वैल्यू का, तो ये माइनस का 3 आपके पास आ जाएगा आंसर।